अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, ये मैं अब शाम के लिए पुलाव बिरयानी बना रही हूँ हरे मसाले की। ये आपकी पास रेसिपी है, रूटीन है रमजान की मेरी। ये बना रही हूँ सेहरी के लिए पुलाव, और जिनको पराठा खाने होंगे तो वो अलग है, सालन मेरे पास रखा हुआ वो बना कर दूंगी। ये रूटीन है कि इफ्तारी में भी खा लिए जाएंगे, अगर भूख लगेगी इफ्तारी के बाद तो बचेंगे तो सही है, वरना फिर ये है कि सालन रोटी है हमारे पास। ठीक है, ये बना रही हूँ मैं सेहरी की, सेहरी रूटीन है, सेहरी का बना रही हूँ ये खाना। ठीक है, ये देखें पहले तो पहले प्याज कर लें, प्याज काट ली मैंने, ये मेरी सेहरी की रूटीन। थोड़ा सा चूल्हा बना लिया मैंने, और क्या होगा मेरा क्या सब क्या करें, लाइक करें शेयर करें यूज करें। प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, अभी ये ब्राउन हो जाएगी तो मैं ये अदरक लहसुन डालूंगी इसके अंदर, अदरक लहसुन। ये देखें प्याज हो रही है ब्राउन, थोड़ी सी और हो जाए। और इसमें मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया हुआ है एक पाव, और आधा पाव आलू लिए मैं। ये देखो, और मेरे पास ये पुलाव बिरयानी का पैकेट था, ये लिया हुआ मैंने, अलग से मसाला भी करा हुआ है। देखिए यह हरा मसाला है, इसमें पुदीना धनिया है, थोड़ी सी पालक है, हरी मिर्च, लाल मिर्च साबित वाली होती है ना वो, गरम मसाला, ये सब पीस लिया है मैंने, और थोड़ा सा दही भी डाल दिया, टमाटर भी डाल दिए इसमें, थोड़ा थोड़ा मतलब अपने हिसाब से रखें, आपका जितना कुनबा है ना उस हिसाब से। ठीक है ना, ये मैंने तैयारी कर रही हूँ अपनी सेहरी की है, ये रूटीन मेरी रमजान रूटीन चल रही है मेरी। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे सफ़ेद वाला, प्याज भी पिंक हो गई है, और ये थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगा। ये देखें कच्चापन निकल जाए इसका, इसमें आलू गोश्त दोनों डाल के हम इसको चला लेंगे, फ्राई कर लेंगे। इसमें आलू भी है गोश्त भी है, ये देखिए अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए।
गर्म हो गया है। अच्छा, हमारे इलाके में यहाँ 12 दिन हो गए गैस बंद कर दिए, बिल्कुल ही सी नहीं आ रही। पहले ये टाइम टू टाइम खोल रहे थे, इस तारीख से पहले खोल रहे थे ताकि पका ले आदमी कुछ, और शहरी में खोल रहे थे 4 बजे तक। उसके बाद से 15 दिन हो गए गैस बिल्कुल ही बंद कर दी। ये मैं जो पका रही हूँ ना, ये चूल्हा अलग सिलेंडर वाला है, सिलेंडर नीचे लगा हुआ नीचे है और ये चूल्हा एक है, इसी में मैं सारे काम कर रही हूँ। अब बिल्कुल ही ख़त्म कर दी, लोगों ने गैस बिल्कुल ही दे ही नहीं रहे, और कंप्लेंट करने से भी आपको पता है कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफिस में सिर्फ धक्के खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये तो प्रोटेस्ट करना चाहिए सबको, लेकिन नहीं करते हैं ना लोग, क्या करें। ये देखें, ये बुरानी का पैकेट है, ये 2 चमचे हैं, ये मेरे पास मसाला 2 चमचों का था इसलिए ये रखा हुआ था हम लोगों का। ये ना काफ़ी होता है 2 चमचे का भाई। ये देखें, ये हो जाएगा ना अभी। अब ये देखें ना, खाने के लिए कोई बाहर नहीं निकल रहा। आप लीडरशिप को छोड़े ना, लीडरशिप तो खुद करप्ट हो गई है, ठीक है ना। आप बेहतर ये है कि आप पब्लिक को इमरान खान को निकालना है, लीडरशिप जिनको बनाया हुआ है ना वो नहीं निकाल रहे हैं, वो खुद सेटअप हुए हैं उनके साथ, उनका सेटअप बना हुआ है। तो इसलिए ना आदमी पब्लिक निकले, इमरान को निकाले बाहर। तो भाई खान को निकालो, हमने वोट खान को दिया है, इन लोगों को नहीं दिया, तो मैंने दिया, हमने सिर्फ खान को वोट दिया है। खान के लिए निकलो, कोई बोले ना बोले पूरा पाकिस्तान में एहतजाज, ये समझ लें आप। लॉन्ग मार्च करना चाहिए, लॉन्ग मार्च, जब तक आप बंद नहीं करेंगे सब कुछ, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा खान के लिए। चलो प्यार, ये देखिए हरा मसाला जो बनाया था वो डाल रही हूँ ये मैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आदमी अपने लीड अपनी खान को बचाने के लिए निकले। अब इसको भूनना है थोड़ा सा, और हो जाए ज़रा, आज तो तेज़ हैगी काफ़ी। अब इसमें आप बासमती चावल भी डाल सकते हैं, ठीक है, और कनकी वाले टोटा भी डाल सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे ना आप वो देख लीजिए। मेरा जो है हिसाब है ना, वो मैं अभी इसमें जब कनकी वाले चावल डालूंगी इसमें, कनकी वाले। ये देखिए उबाल आ गया इसमें, कल गला जाए तो अपने आलू आलू गोश्त थोड़ा गल जाए। हड्डी वाला गोश्त है, इतना गोश्त आपको पता है इसमें होता नहीं है, आधा घंटा भी देंगे ना तो गल जाएगा वो सब। और उसके बाद चावल डाल लें, रायता है रखा हुआ मेरे पास, सलाद बनानी है तो बना ले, मैं सिर्फ खीरा काटूंगी क्योंकि पेटों में है ना वो गर्मी सी होने लगी। अब पकौड़े शकोड़े छोले वोले खा के तबीयत ही ख़राब रहने लगी है, जिसमें में दर्द बुखार ये सब होने लगा है। आप तो ये है ना, ज़रा आप थोड़ा सा अवॉइड करते हैं ज़रा चीज़ें, और जो बना रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये भून जाएगा ना उसको मैं बता लूँगी। हमारी आवाम इतनी काहिल वजूद है क्या बताएं। इससे इसके बाद इमरान खान जैसा कोई लीडर नहीं आएगा, क्योंकि वही संभाल सकता है इस मुल्क को, वही है, इसके अलावा कोई नहीं। आप देखो ना अफगानिस्तान में बमबारियां, यहाँ से बमबारी छेड़ दिया है मामला, कमा रहे हैं खूब इसमें आर्मी, पब्लिक पिस रही है, पब्लिक का ख्याल होता ना आज इमरान खान होता है यहाँ पे। ईमानदारी से जो हुकूमत करने वाला है वो सिर्फ इमरान है, अल्लाह बेहतर करेगा हालात हमारे मुल्क के। इसमें कोई तबका नहीं, गरीब तबका दरमियाना तबका पिसता है, सही है ना। और लोगों के पास बहुत है, खा रहे हैं पी रहे हैं बाहर निकल जाते हैं। भाई हम जैसे लोगों के लिए सवाब कमा लो, खबर में तो जाएगा नहीं, ये सब कीड़े पड़ जाएंगे, मरने से पहले ही कीड़े पड़ेंगे बगैर। देखिए ये मेरा जो है ना, ये भुनने पे आ गया तकरीबन। चावल जब डाल दूंगी ना तो मैं आपको चावल का भी मैं बता दूंगी कि चावल किस वक्त डालेंगे। जब खाना शुरू करेंगे ना 15-20 मिनट पहले चावल डाल देंगे ताकि वो दम लग जाए। गरम गरम करती हूँ वही मैं काम, गरम गरम का अच्छा है सिलसिला, फिर बाद में भी तो गरम ही करना पड़ता है, वो भी जब 15-20 मिनट ले ही लेते हैं
चावल भी अच्छा गर्म करेंगे तो इतना टाइम तो ले लेते हैं। बस हमारे खान के लिए दुआ करें, हमारा खान जल्द जल्द बाहर आ जाए तो अल्लाह पाक उसको बाहर निकाले लुंदूस। अरे आवाम की वजह से नहीं तो चलो अल्लाह पाक अल्लाह उसकी नेकियों के सिले में दे दे जो वो करता है लोगों के लिए, उसके लिए ही उसको बचाएं। बस आवाम तो झूठी है धोखेबाज। ये के सारे एक जैसे नहीं होते, सारे नहीं हैं, अल्लाह पाक बस सबको अल्लाह पाक हिम्मत हौसला दे, क्योंकि ज़्यादातर लड़ वही रहा है गरीब तबका और आवाम, लड़के लड़ाए बेचारे जो नौजवान हैं वो, अल्लाह पाक जिंदगी दे सबको, अल्लाह पाक से तो शफा दे। चलेंगे देखो प्यारे मेरा भुन जाए, भुन रहा है ये, भुनने पे आ रहा है, अब इसे इसको इसी में दलाना भी है हमें, गोश्त को भी और उसको भी आलू को भी, 15-20 मिनट में ये हो जाएगा तकरीबन। तकरीबन अब चावल डालेंगे, 15-20 मिनट के लिए गलने छोड़ूंगी इसको। ये देखिए प्यारे बस, ये मैंने पुलाव बिरयानी बना ली है, ये मेरी बन गई है, तैयार हो गई है, सही है ना। ये भी शहरी का है, तैयारी शहरी की है ये मेरी, ठीक है प्यारे। और दूसरा ये कि अभी और भी चीज़ें थी रायता वगैरह, वो मैंने बना के, आपको पता है जो भी रखना होता है रायता पहले से बना के रखती हूँ, वो रायता सिंपल सी रेसिपी है, चाहें तो आप उसके साथ आप सलाद भी बना लें, सब बना लें, ठीक है ना। और प्यारे बस देखिए यही है मेरी डिश,